लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ की वार्षिक सामान्य सभा 9 सितंबर को सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में आयोजित की जाएगी। साथ ही उद्यमी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसे लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारियां दी गई व आमंत्रण दिया गया। इस कार्यक्रम में लघु भारती उद्योग के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल होकर अपनी अपनी समस्याओं से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के समक्ष रखेंगे। ये एक AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल होती है, पर हम लोग केवल AGM कभी भी नहीं करते, उसके साथ एक बड़ा कार्यक्रम हमेशा क्लब करते हैं। तो इस बार हम लोग जो कार्यक्रम जोड़े हैं वो है उद्यमी सम्मेलन, एंटरप्रेनर्स मीट, क्योंकि कोविड का जो विषम काल था उसके बाद बहुत ज़रूरत है सबको मोटिवेशन की और उत्साहवर्धन की। तो उसके लिए हम लोग स्टील मिनिस्टर को आमंत्रित किए हैं, क्योंकि स्टील सिटी है और मैक्सिमम लोगों के जो बिजनेस हैं वो स्टील से ही रिलेटेड हैं। इसलिए हम लोग स्टील मिनिस्टर को अप्रोच किए और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, तो वो आ रहे हैं। और BSP के जो MD सर हैं, दास गुप्ता सर, वो रहेंगे। उसके अलावा हमारे जो शीर्ष के चार बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे संगठन मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये चार लोग और आ रहे हैं। तो इस तरह से मंच के ऊपर हमारे बहुत सारे महारथी एकत्रित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सारे महारथी एक जगह आ रहे हैं तो फिर शंखनाद होने वाला है, बिगुल बजने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। पूरा अवसर मिलेगा सबको अपनी बातें रखने का। हमारा जो संगठन है उसकी संरचना ऐसी है कि एक एक इकाइयाँ अलग अलग, 25 उद्योग की एक इकाई होती है। तो हम लोग करीब एक हफ्ते पहले ही हर इकाई को ये बोल दिए हैं कि आपकी स्टील से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख के आप हमको भेजिए, ताकि हम सारी इकाइयों की समस्या को संग्रहित करके एक बना के छत्तीसगढ़ की समस्या बना के मंत्री जी को सौंपें। इसके अलावा वो जो हॉल है वहाँ पे ओपन सेशन होगा, उसमें सारे उद्यमी अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। भाई स्टील की समस्या पूछे आप लोग अच्छा किए, पर गलत व्यक्ति से पूछे। ये जो मेरे दोनों भाई लोग खड़े हैं, स्टील की समस्या ये लोग बताएंगे। स्टील की बात नहीं, लघु भारती की, लघु उद्योग भारती की जो हम अपने पदाधिकारियों के सामने हम बात रखने वाले हैं, आप उसके बारे में बात करें। तो हमारी ये सब अंदरूनी बहुत सी बातें होती है। छत्तीसगढ़ में जो विषय आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ग्राम शिल्प प्रकोष्ठ है वहाँ तक हम लोग पहुँच तो गए हैं, पर उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो टोकरी बना रही है महिलाएं, तो गवर्नमेंट ने 370 आइटम की लिस्ट दी हुई है, जिसको हमको ग्राम शिल्प से ही खरीदना होता है। पर गवर्नमेंट में भी अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका बोलना है कि इनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट है वो उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो शिल्पकार हैं उनसे हम बात करते हैं तो उनका बोलना ये रहता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कब आई और कब ख़त्म होगी। तो इस तरह का जो एक गैप आ रहा है उसके लिए हम अपने पदाधिकारियों से बात करने वाले हैं कि ये लघु उद्योग भारती का ग्राम शिल्प प्रकोष्ठ में जो समस्या है वो चल रही है।